अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कैलकुलेटर की मदद से कांस्टेंट की वैल्यूज कैसे निकालते हैं। तो आइए चलते हैं, कांस्टेंट की वैल्यूज निकालने का तरीका मैं आपको सिखाऊं। आप तमाम लोग के पास कैलकुलेटर का बैक कवर मौजूद होगा, उस पर कुछ नंबर्स आपको लिखे हुए नजर आएंगे 1 से लेकर 40 तक। अगर वो बैक कवर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे सारे नंबर्स आपको शो कर रहा हूँ। अगर आपको किसी भी कांस्टेंट की वैल्यू चाहिए, आप सबसे पहले अपना कैलकुलेटर ओपन करो। कैलकुलेटर मेरे पास ये मौजूद। कांस्टेंट वैल्यू निकालने के लिए आप शिफ्ट दबा के प्रेस करो 7। आप 7 पे देखोगे शॉर्ट फॉर्म में आपको कांस्टेंट लिखा हुआ नजर आएगा, आपने प्रेस किया। अब ये आपको एक ब्रैकेट ओपन करके दे रहा हूँ, बोला नंबर एंटर कीजिए। अब आप देखो, अगर मुझे सपोज करो पार्ट नंबर 1 में प्रोटॉन का मास चाहिए, प्रोटॉन के मास का जो नंबर नजर आ रहा है वो नंबर है 01। आप यहाँ पे प्रेस करोगे 01। जैसे आप प्रेस करोगे एमपी लिखा हुआ गया, एमपी का मतलब मास ऑफ प्रोटॉन। अब मास ऑफ प्रोटॉन चाहिए, आपने इस इक्वल टू दबाया, उससे मास ऑफ प्रोटॉन की वैल्यू बता दी 1.67 एक्सपोनेंट -27। चले एक और कांस्टेंट मैं आपको निकालना सिखाऊं, एक और कांस्टेंट देखते हैं कोई और। आपके पास ये मौजूद प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट का नंबर आपको क्या नजर आ रहा है 6। तो कांस्टेंट कैसे निकालेंगे, शिफ्ट दबा के 7 प्रेस किया, प्लैंक्स कांस्टेंट का नंबर है 6, तो आपने प्रेस किया 06। एच लिखा हुआ गया, एच प्लैंक्स कांस्टेंट का सिंबल है, इस इक्वल टू दबाया, इसने प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू आपको बता दी 6.62 एक्सपोनेंट -34। तो कोई सा भी कांस्टेंट हो, तमाम के तमाम कांस्टेंट की वैल्यूज आप निकाल सकते हो। इसमें देखो कुछ इंपॉर्टेंट कांस्टेंट की वैल्यूज मैं आपके सामने हाईलाइट कर देता हूं। आप लोग ये कांस्टेंट इस्तेमाल करते हो, प्रोटॉन मास, न्यूट्रॉन मास, इलेक्ट्रॉन मास, आप लोगों ने बोहर रेडियस इस्तेमाल करा, आप लोगों ने प्लैंक्स कांस्टेंट इस्तेमाल करा, आप लोगों ने एच कट इस्तेमाल करा सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स ने, इसमें आपने क्वांटम वेवलेंथ की वैल्यू इस्तेमाल करी, रेडबर्ग कांस्टेंट है, एटॉमिक मास यूनिट है। इन यूनिट्स के बाद आप लोगों ने फैराडेज़ कांस्टेंट पढ़ा, एवोगैड्रोस कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, मोलर गैस कांस्टेंट, स्पीड ऑफ लाइट, इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, मैग्नेटिक कांस्टेंट, स्टैंडर्ड एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये तमाम कांस्टेंट की वैल्यूज हैं जो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास कैलकुलेटर का बैक कवर मौजूद नहीं होगा, या फिर उनके बैक कवर पे जो नंबर लिखे वो मिट गए होंगे, तो इसी वजह से मैंने आप लोग की आसानी के लिए एक पूरा चार्ट बना के अपने फेसबुक के पेज पे अपलोड कर दिया है। ये चार्ट सारे नंबर, हर नंबर के आगे उसका कोड, हर नंबर के आगे उसका सिंबल लिखा हुआ है और डिटेल में करके लिखा हुआ है कि कौन सी चीज़ किसको शो कर रहा है। तो ये तमाम के तमाम मैं अपने फेसबुक पेज पे अपलोड कर चुका हूँ, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा, वहां से आप अपने पास कॉपी कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, सब्सक्राइब करने के साथ लाइक भी कीजिएगा। तमाम लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।